है। आप देखिए किसी की भी जिंदगी, बड़े से बड़े आदमी की जिंदगी देखिए, वो गिने चुने ऐसे काम कर जाता है कि बस उसी से वो पॉपुलर हो जाता है। जैसा पन्ना धाय ने, कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती कि अपने बेटे को कटवा दे और राजपुत्र को रोक ले, लेकिन पन्ना धाय ने किया। अब ये कोई नहीं पूछेगा उसने और क्या किया, पानी भरते में लड़ती थी कि नहीं लड़ती थी मालूम नहीं, लेकिन उसने एक काम किया एग्जाम्पलरी। तो भाइयों, आप लोग जो आवश्यकता है वो एग्जाम्पलरी होना है, कि अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। ये दुनिया अपने आप बदलती चली जाएगी, इसको ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं होती। एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण में ये बतलाया गया है कि कुल 10% आदमी हैं जो दुनिया को बिगाड़े हुए हैं, 90% आदमी ऐसे हैं जो न तो बहुत अच्छे हैं और न बहुत खराब हैं। अच्छा काम करते हैं तो उनके साथ वो भी लोग करते हैं, और जो बुरा काम करते हैं उनके साथ भी थोड़ा सहयोग कर देते हैं। सिर्फ 10% आदमी ऐसे हैं जो सिर्फ दुनिया को बिगाड़े हुए हैं। बच्चों, आवश्यकता है उन 10% को बदल दो, और अगर ऐसा कर सके तो वो सब कुछ पा जाओगे जिसके लिए कि सारी की सारी शिक्षाएं, सारा का सारा माता पिता अपने बेटे से आशा करते हैं। जब कभी जाना होता है कहीं आसाम वगैरह, तो वहाँ मिलती हैं लड़कियाँ, कहती हैं हमारे भाई आतंकवादी हैं, हमारे भाई ये हो गए हैं, हम क्या करें। मैंने कहा, एक लड़की आई, हम रामकृष्ण मिशन में ठहरे हुए हैं, कि बोली 19-20 साल की लड़की होगी, कि हमारे भैया भी आतंकवादी हैं, अब मैं क्या करूँ बताइए। मैंने कहा, एक काम करो, तो ऐसा करो कि भैया आप तो वो हो रिबेलियन, किसी दिन गोली लग जाएगी, आपने कभी सोचा कि तुम्हारी बहन का क्या हाल होगा, पिताजी तो है नहीं, माँ है, एक भाई है, तो आप उसमें हो, तुम रो रहे लेना, कहना मैं बिना खाना खाए मर जाऊंगी। कम से कम बिना खाना खाए मर गए तो कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया में बहुत से लोग मर जाते हैं, लेकिन कम से कम मैं आतंकवादी की बहन तो नहीं बनूंगी। और मैंने, तुम खाना ही मत। कुछ दिनों बाद पत्र आया कि हमारे भाई ने काम छोड़ दिया, कुछ अच्छा काम कर। भाइयों, अपने कष्ट दुख हानि और दर्द की कीमत पर जब आप अपने गुण कर्म स्वभाव चरित्र चिंतन और व्यवहार को सुधार लेते हो, आपके आसपास की दुनिया बदलती चली जाएगी। आपके आसपास की दुनिया को अच्छा मोड़ लेना ही होगा। आवश्यकता है सिर्फ सेल्फ कंट्रोल की, आवश्यकता है अपने को एक अच्छा भाई बनाने की, अपने अच्छी बहन बनाने की, अच्छा इंसान बनाने की, अच्छा एक मित्र बनाने की। अगर आप एक अच्छे इंसान बना सकते हैं, कि दुनिया को सिर्फ 10% आदमियों को बदलना है, बाकी तो बेचारे कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं। ऐसा शायद ही कोई आदमी होगा जो दुनिया में न कोई अच्छा काम करता है, या ऐसा भी नहीं होगा जो सिर्फ बुरा काम करता है, ये संभव नहीं है। आवश्यकता है, गायत्री परिवार सिर्फ एक चीज़ करता है, ये कहता है आप अपने को पहचानो, आपके अंदर भगवान का बीज है, आपके अंदर वो बीज है, सिर्फ आवश्यकता है कि उस बीज के अंदर कोई चीज़ नहीं होती है, बीज की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन अगर वही बीज को, एक चंदन के बीज को आप अगर बो देते हो, देखभाल करते हो, उसके ऊपर ज़मीन मिलती है, प्रॉपर खाद पानी मिलता है, तो जो वृक्ष बनता है वो 10 लाख रुपए का होता है। अगर एक चंदन का बीज 10 लाख रुपए का हो सकता है, तो आप एक इंसान भी देवता बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये विज्ञान है। यही आशा, और इसके साथ है, मैंने गुरु जी को बहुत पास से देखा है, मैंने उनको बहुत गहराई से देखा है, फिर भी समुद्र की क्या कोई गहराई नाप सकता है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही काम किया कि यही कहते हैं, तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, तुम एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, एक अच्छे इंजीनियर बन जाओ, एक अच्छे बिजनेस बन जाओ, तुमको सारा अध्यात्म मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, तो आपकी जीन्स में चेंज हो जाता है। मैंने एक आर्टिकल लिखा और मैं गुरुजी के पास गया और मैंने कहा कि गुरुजी, मैंने आज एक ऐसा आर्टिकल लिखा है कि इसको कोई सुन लेगा तो ये बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ देगा। गुरुजी जैसे महापुरुष, वेद उपनिषद का अनुवाद करने वाले, उनसे मेरे जैसा एक डॉक्टर कहता है, वो भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था,
तो अच्छा तो सुना मैंने गुरुजी, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, एक मिनट में आर्टिकल सुना दूंगा अपना, मैं एक मिनट में आर्टिकल सुना, मैंने एक मिनट में आर्टिकल सुना दूंगा। अच्छा बदला क्या लिखा है? मैंने कहा गुरुजी मैंने ये लिखा है कि अगर एक व्यक्ति 20-25 साल तक बीड़ी सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, तो उनके 3 बच्चों में से 2 बच्चे पिएंगे। लड़की पिएगी तो नहीं, लेकिन सिगरेट पीने वाले से शादी करने में मना नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस टूट जाता है। और मैंने ये हिसाब लगाया, ये दुनिया कितने साल चलेगी, तो कितने आदमी को टीवी की बीमारी होगी, कितने को कैंसर होगा, और एक बीमारी होती है। कभी आपको मौका मिले किसी आदमी के अगर 2 पैर कटे हों तो आप उसको 1 रुपया देना और उससे पूछना ये तुम्हारे पैर कैसे कट गए। अगर उसके पैर किसी एक्सीडेंट में नहीं कटे हैं तो सिर्फ एक बीमारी में कटते हैं, इस बीमारी का नाम है थ्रम्बो एंजाइनेटिस सोलिटरांस। ये सिर्फ तंबाकू खाने वालों को, बीड़ी पीने वालों को, सिगरेट पीने वालों को होती है और किसी को नहीं होती। भाइयों बहनों मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने अंदर अच्छे गुण पैदा कर लीजिए, ये दुनिया बदल जाएगी, कम से कम आपके लिए तो बदल जाएगी, आपके परिवार के लिए तो बदल जाएगी, आपके देश के लिए तो बदल जाएगी, आपके समाज के लिए तो बदल जाएगी। इसी बाबत से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे गुरु जी माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद।